माय बाप भाई और बहन मन आपने मन के ले चले लागल ही जनकपुर जहाँ सीता माता कर नहियर है। तो माय बाप भाई और बहन मन जोन बहन कर भाई नखे उके दुख तो हइए है, लेकिन जोन भाई कर बहन नखे उके भी कम दुख नखे। सावन कर महीना और रक्षाबंधन कर पर्व जनकपुर कर सामने गांव में रहे वाली एक विधवा ब्राह्मणी कर एके वो बेटा रहे, उकर नाव प्रयागराज रहे। सब बहन मन आपन आपन भाई कर हाथ में राखी बांधलें, लेकिन प्रयागराज कर हाथ में कोई राखी नहीं बांधलें। प्रयागराज कांते कांते अलग और आपन माए से कहलक, माँ मुके केहू राखी नहीं बांधलें। माए आँख में आंसू भर के कहलक कि बेटा तोर कोई बहन नखें, बहन रहते तो तोर हाथ में राखी बांधते। प्रयागराज कहे लागल है, सबकर हाथ कान नाक आँख ये सब है, मोरो तो है, तो मोर काले बहन नखे। आब छुआ के समझाए, उकर उम्र भी ओहे 9-10 साल कर रहे। अंत में माए छुआ के मनाए के लिए कहलक कि बेटा तोरो बहन है, लेकिन एखन उ ससुराइर में है। प्रयागराज कहेला कि माँ मोर बहन कर का नाव हके। माए बताएला कि बेटा उकर नाव सीता हके। प्रयागराज पूछे लागल है कि उकर ससुराइर कहाँ है माँ। तो माँ बताएला कि अयोध्या। प्रयागराज कहे लागल है कि माँ मैं जाबू। माए कहलक कि एखन नहीं, तनी बैठ ले तले जाबे। प्रयागराज कर मन में ई बात बैठ गेलक। माए तो आपन जनकपुर कर नाता में कही देलक, अब छुआ कर मन डेगत है बहिन घर जाए के लिए। रात भर नींदरी लागत है, सोचत है मैं तो जाबू और राखी बंधुआई के साँझ तक घुई रहूँ। उके थोड़े पता है कि जनकपुर से अयोध्या कितना दूर है, लेकिन राखी बंधुआई के लिए बहिन के कुछ देवे भी तो होई। देखत है घरे तो कोनो नखे। माय कर दू गो साड़ी है, एक ठोके पीधेला तो एक ठोके छोड़ेला। अधेर लखे साड़ी भी रहे, उखे एक ठोके आपन खाँख में चिमट लेलक। बहिन राखी बांधी तो उके एहे साड़ी के देबू। सोचते सोचते पैदल चललक। उके थोड़े पता है कि जनकपुर से अयोध्या कतना दूर है। चलते चलते थाइक के छौवा लिटलिटा हो गेलक। एगो गज कर हेठे ढलंगलक तो नींदाए गेलक। बहिन कर नाव के ना भुलाए जाबू, भाटू कर नाव के ना भुलाए जाबू कही के सीताराम सीताराम याद करे लागल है। भगवान कर माया के देखू, सुत रहे गज कर हेठे और पहुँच गेलक सरजू नदी कर किनारे। उठ के देखेला, अरे ई मैं कहाँ पहुँच गेलों। केकरो से पूछेला तो पता चलेला कि ई सरजू नदी हके और ऊ अयोध्या हके। खुश होई के ताली बजाए के कहेला कि मैं बहिन कर गांव पहुँच गेलों। मैं तो माय से कही रहूँ कि अयोध्या दूर थोड़े है, बिहान चल रहूँ और इतना जल्दी पहुँच गेलों। अयोध्या में प्रयागराज पूछे लागल है कि सीताराम मनकर घर कौन हके। तो हुआ बताए ना कि ऊ मनकर घर नखे, मंदिर है। तो प्रयागराज कहेला कि अरे भाई ऊ मन साधु संत थोड़े हकें जे ऊ मनकर मंदिर रही। सीता मोर बहिन हके, राखी बांधे नी गेलक तो हम अपने राखी बंधवाए के आई गेली। बतावा नी कौन घर हके। भाटू कर नाव राम हके। अयोध्या में सब कोई मंदिर बताए ना, लेकिन प्रयागराज माने के लिए तैयार नखे। मंदिर में रहे के वाला दोसर कोई हकें, मोर दीदी भाटू ऊ मनकर घर के बताए देवानी। लाख प्रयास कर बाद भी दीदी भाटू कर घर कर पता नहीं चललक। तब अपने आपन सोचे लागल है कि सहेले माए मुके माना करत रहे ना जाबे कही के। हियाँ कर आदमी मन भी सब उसनेहे हैं, सब लाल पियर लुगा पिंधे ना, एक धाव टुकले चाल नहीं करे ना। घर के पूछले मंदिर के बताए ना, पूछते पूछते साँझ हो गलक। भूख भी लागत रहे, अब स्नेहे घुर जाबू। वशिष्ठ कुंड जगन नीम गज कर हेठे प्रयागराज सुत गेलक। ठीक आधा रात बेरा अचानक इंजोत हो गेलक, आँख चौंधराए गेलक। देखत है कि एगो हाथी मोरे बटावत है। हाथी में श्री सीताराम जी विराजमान हैं।
और हाथी कर महावत श्री हनुमान जी पाछे पाछे आवत है। प्रयागराज हाथी के देख के सोचे लागल है कि दीदी भाटू मोर से खिसाए जा है, मुके इवन हाथी से खुंदवाए के मोराबें, काले कि उमन बड़ आदमी है, हमर छोट मन से नाता बताए भी तो लाज कर बात है। लेकिन उ सब बात नखे, हाथी के बैठाल गेलक, हाथी में सीढ़ी लगाल गेलक। उकर बाद प्रभु श्री सीताराम उतरले, जाए के प्रयागराज जगन खड़ा हो गेलै। का सुंदर अद्भुत दर्शन देख के मन आनंद हो गेलक। प्रभु श्री राम कहलें कि भैया प्रयागराज ई सीता रोर बहिन हकें। प्रयागराज सोचे लागल है, अरे ई तो मोर नाव के भी जानेला। प्रयागराज हाथ जोड़ के कहे लागल है कि मोके नी लागेला कि ई मोर बहिन हके। तब पूछे ना कि प्रयागराज रोरे कभी रोर बहिन से मिल ही। प्रयागराज जवाब देवेला कि नहीं। तब राम कहलें कि तब कैसे कहिला कि ई रोर बहिन ना लागे। प्रयागराज कहलें कि विश्वास नहीं होवेला, काले कि बहिन के भाई जब मिल जाएला तब बहिन भाई के छाती से लगाई के कांदेला। अगर ई मोर बहिन रहतक तो मोके भी छाती से लगाए लेतक। सीता माता अगर आँख से लोर गिरे लागलक, छाती से लगाए के अपन लोर से भाई कर पैर धोवे लागलें, भाई कर हाथ में राखी बांधलें। प्रयागराज सिर झुकाए के सीता जी के पूर्णा साड़ी के देवे ना, जिके घर से लाइन रहें, कहे ना बहिन इके रौर ले लाइन हो, मोर जगन और कोनो नखे। सीता जी कहे लागल हैं, भैया मुके पता है माए जगन सिर्फ दुई गो साड़ी है, एगो के पिंधे और एगो के लाइन ही। साड़ी के ले जाऊ और माए से कहब कि रौर आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ, मोर चिंता ना करी। राखी बांध के अपन हाथ से प्रयागराज के कुछ खियालें, दुयो भाई बहिन प्रेम रस में भर गलें। ओहरे भाई बहिन कर प्यार धीरे धीरे उदृश्य खत्म हो गलक। हाथी चढ़ के सीता जी बड़ा प्यार से प्रयागराज के देखत रहें। प्रयागराज रात भर कांदलें, केकरों से कुछ नहीं कहलें। ठीक बिहान बेरा एगो महात्मा प्रयागराज के देखे ना कि ई तो भागवत भक्त हैं, कह के अपन आश्रम में ले आनलें। प्रयागराज कांदा थे, उके नहुआल गेलक। थोड़े ही देरी में दुई गो देवी आलें, दुयो कर हाथ में सोना कर कंचन पूरी थरिया रहे, तरह तरह कर खाना से भरल थाली। दुयो देवी कहलें कि हमर हिया सत्यनारायण भगवान कर कथा रहे, आपने मन ले प्रसाद लाइन ही, प्रसाद ग्रहण कर लो, बाद में थाली ले जाप। दुयो जन प्रसाद खा लें, थाली लेके क्यों नहीं आलें। महात्मा समझ गेलें कि प्रसाद तोर चलते सीता मैया भेज हैं, सोना कर थरिया तुई ले जा। प्रयागराज कहे लागल है कि बहिन कर देल के मुई नी लेगबू, से इके रौरे राख लो। सोना कर थरिया के ना प्रयागराज लेगलक ना तो महात्मा, दुयो के कुंड में डाल दलें। प्रयागराज वापस घर आवे ना, माय पूछे ना कि कहाँ जाए रहीस बाबू। प्रयागराज कहे ना कि दीदी जगन राखी बंधाए। माय कहे ना तोर से भेंट होलक। प्रयागराज कहे ना कि राखी बांधल बाद साड़ी देत रहो माँ, लेकिन कहलक कि साड़ी के घर ले जा, माय जगन दुए गो साड़ी है, इके घुराए के लानत हो, यदि लाइन हो। माँ उमन कर तो बड़ा ठाठ बाट है, हाथी में चलाए ना, भाटू संगे रात में आए रहें, दिन में लाजालय हो, काले कि हमरे छोट आदमी है नी। प्रयागराज कर माए आसमान में हाथ जोड़ के कहे लागल हैं कि धन्य ही जानकी जी कि संबंधी कर लाज आज राख देली। आप प्रयागराज के अपन घरे मन नी लागत है, दीदी भाटू कर याद करके हुआ जाए खोजत हैं। माए भी अस्वस्थ रहे लागलें, धीरे धीरे उनकर माए भी गुजर गलें। उनकर श्राद्ध कर्म करके जन्मभूमि के प्रणाम करके प्रयागराज अवध आ गेलें। अवध में वैष्णव महात्मा से दीक्षा ले लें, रोज राम सीता कर जाप करे लागलें, रोज कथा भी सुने जात रहें। एक दिन कथा में सुनलें कि राम सीता के वनवास हो गेलक, संग में लक्ष्मण भैया भी हैं। प्रयागराज बड़बड़ाए के लागलें कि केकर घर में झगड़ा नहीं होवेला, तनिक अनकर झगड़ा में केउ वन में जाई।
केहू समझाले काले नहीं, आपने तो गेले से गेले मोर बहिन के भी लेते गेले। लक्ष्मण खिसाहा है वह सबके ले जा हुई, तनि भेटाओ तो के पूछो। आचार्य जी से पूछे लागल हैं कि वन में जा हैं एखन कहाँ होब, आब इके के समझाए। आचार्य जी कहे लागल हैं कि इके कोनो तरी समझाए पड़ी। आचार्य जी कहलें कि एखन उमन चित्रकूट में हैं। तब प्रयागराज कहलें कि चित्रकूट में तब बेसी दूर नहीं जा हैं। कथागर बात के प्रयागराज सही मान लेलक। प्रयागराज कहियो केकरों से कोनो नहीं मांगलक, लेकिन आज मांगे शुरू कर दिलक। प्रयागराज से सब पूछे ना कि का होलक जे। तब प्रयागराज कहे ना कि भाटू दीदी के ले के बन चल गेलक, संगे लक्ष्मण भैया भी जा हैं। अरे केकर घरे झगड़ा नहीं होवेला, तनिक अनकर झगड़ा में क्यों बन चल जाए, एखन पछतात हो गए। जंगल में रहे कोनो आसान बात हके, ओहे मन ले कोनो कोनो जोगाड़ करके कोनो लेगे पड़ी। सब कोई प्रयागराज कर बात के सुन के हंसे ना। पैसा जमा करके तीनों जन ले जूता खटिया रजाई तकिया ले के अयोध्या से सीताराम सीताराम जपते पैदल चित्रकूट पहुँचे ना। मंदाकिनी गंगा कर किनारे फटिक शिला में सब सामान के राख के हकाए ना। लक्ष्मण भैया रोरे मन कहाँ है आए जो, मैं जानो थो कि रोरे मन मोर डरे नहीं आवती। कहे तो मुके बहुत कुछ रहे, लेकिन आब कोनो नहीं कहबू, ना डरो आए जो। हकाते हकाते प्रयागराज चित्रकूट कर घनघोर जंगल में घुस गेले। अंत में प्रभु राम सीता और लक्ष्मण सहित प्रगट हुए ना। भक्त कर ममता के देखू। प्रयागराज कहे ना कि तनी तनी कन झगड़ा में रोरे मन जंगल चैलाली, झगड़ा केकर घर नहीं होवेला, देखू तो एखन कतना कष्ट होव थे। रोर तीनों जन ले जूता खटिया रजाई और तकिया लाइन दे हों से इके राई खिलो। प्रभु राम कहे ना कि आपने हमरे ले बहुत कष्ट उठा ली, लेकिन हमरे वचनबद्ध ही जूता नहीं पीन सकीला, खटिया में सुत नहीं सकीला से इके रोरे वापस ले जाओ। सीता मैया प्रभु राम से कहे लागल हैं कि भैया बहुत कष्ट में हैं, से इनके रोरे आपन साकेत कर वैभव दिखाए दो। फिर चमत्कार भेलक। दिव्य सिंहासन हाथी घोड़ा लाव लसगर नौकर चाकर आरती करेक वाला चावर डोलाएक वाला इमन कर अद्भुत दृश्य देखलें। तब प्रयागराज कहलें कि भैया इतो रोरे मन बड़ा ठाठ बाट से रहिला, इतना सुख तो कोहो केखो नहीं मिली। अच्छा तो एक बात के बताओ कि इतना सुख से रहिला तो इस दुनिया के काले पागला बनाए के राखी। सबसे बेसी पागला तो हाम है कि कहियो केकरो से कोनो नहीं मांगली, से आइज रोरे मन कर चलते माइंग फिरती, अब इस सामान कर का हुई। तब प्रभु कहलें कि इस सामान कर उपयोग रोरे करूँ। प्रयागराज श्री सीताराम और लक्ष्मण के प्रणाम पीर के उनकर से विदा ले लें। फिर ऊ मनकर वास्ते लानल जूता के पिंधलें, खटिया रजाई तुरई तकिया के मूड़ में बोह के पैदल सीताराम सीताराम कहते चल लें। चित्रकूट से सीधे प्रयाग आ गए, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती कर त्रिवेणी संगम है। हुआ माघ मेला लागल रहे, लेकिन प्रयागराज मेला में नहीं गेले। मेला कर बाहरे एगो नीम कर गछ रहे, ओहे नीम कर गछ कर हेठे खटिया के डिसाई के गदा तकिया लगाए के आराम से सुत गेले। केहू कहत हैं कि महाराज मेला में नहीं गेली। प्रयागराज कहे लागल हैं कि हम मेला में जाए के का करब, हम तो सीताराम कर अलावे केखो नहीं जानीला। तब महात्मा कहलें कि महाराज साधु इसने रहे ना, खटिया में गदा तकिया लगाए के और गोड़ में जूता पीन्ध के चल थी, इस साधु संत कर पोशाक ना लगे इतना ठाठ बाट। प्रयागराज कहे लागल है चुप रह, हम कोनो साधु संत हकी, हम तो प्रभु राम कर साला हकी, छोट मोट जागीरदार कर साला मन तो कतना ठाठ बाट से रहे ना, हम तो तीनों लोक कर स्वामी प्रभु श्री राम कर साला हकी, तो काले ठाठ बाट से नहीं रह। तो माय बाप भाई और बहन मन भक्त कर भावना के देखू कि सीता मैया जगत जननी के
अपन बहिन बना लेलनि और प्रभु श्री राम के अपन भाटू बना लेलनि।